हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आई जे और के की मदद से हम जो है सर्कुलर इंटरपोलेशन किस तरह से करते हैं। यानी कि अगर हमको कोई आर्क या रेडियस जो है बनानी है विद द हेल्प ऑफ आई जे के, तो हम कैसे बनाएंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप पूरा डिटेल में समझिए, और अगर आपने इसमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाया और सही तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसमें अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो जो है ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का थोड़ा सा खेल है। और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको जो है बेसिक से समझा रहा हूं और इसको समझिएगा ध्यान से। पहले मैं आपको जो है एक्सेस समझा देता हूं। देखिए, एक्सिस आपको पता होगी कि ये हमारी एक्स, ये हमारी वाई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जहां पर मीट करेंगी, ये जो पॉइंट होगा ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, अब इस पॉइंट के राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में हम जितना बढ़ेंगे उतनी ही एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसी तरह से जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारी वाई की वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जब हम इस पॉइंट के विपरीत दिशा में यानी उल्टी तरफ चलते हैं तो हमारी एक्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो ये हो गया हमारा एक्स नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव। ठीक है, ये वाई पॉजिटिव, और इसी तरह से जो है वाई नेगेटिव। अब क्योंकि मुझे ये एक्सेस आपको समझाना नहीं है, मेरा जो मतलब है मेन पॉइंट वो है आई जे के की जो वैल्यूज है वो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट, इस पॉइंट के इधर या इधर अगर हम मूव करते हैं तो वाई की वैल्यू जो है जीरो ही रहेगी। इस पूरी लाइन पर ध्यान से चलिए, इस पूरी लाइन पर वाई की वैल्यू जीरो रहेगी, और दूसरा इस पूरी लाइन पर जो है एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी। समझ गए, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। इस पूरी लाइन पर जहां पर एक्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वहां पर वाई की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। ये जो प्रिंसिपल है अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप बहुत आसानी से जो है आई जे के का यूज कर पाएंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आई और जे की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आई क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के लिए जो है सबॉर्डिनेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जे जो होता है वाई एक्सिस के जो सबॉर्डिनेट वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसी तरह से के होता है जो जेड एक्सिस होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आई की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अगर ये एक आर्क है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है आर्क का, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, तब आई की वैल्यू क्या होगी, आई क्या होगा, आई की जो वैल्यू है वो कहती है डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। देखो, ये कह रही है स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आई है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है यही लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यही पूरी लाइन जो है प्रोग्राम को सही और गलत
कर देती है। असली गलतियां जो है इस डायरेक्शन के साइन से होती है। इसके लिए मैंने आपको जो है एक्सिस समझाई थी, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस है। इस डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस होगी वो हमारी जो है आई कहलाएगी। तो यहां पर अगर हम आर की वैल्यू 10 मान लेते हैं, ठीक है, रेडियस हमने 10 मान ली, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई हो गया हमारा 10। क्यों? क्योंकि ये भी तो 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस की दिशा में, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जे की वैल्यू, जे की डेफिनेशन क्या कहती है, जे की डेफिनेशन कहती है डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बाकी सब कुछ सेम है, यही चेंज है यहां पे। तो जे की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी यहां पर, इस पॉइंट पे स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ऊपर है, तो इस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि ऊपर मूवमेंट है ही नहीं, ये एक लाइन में है, ठीक है। तो जे की वैल्यू जीरो। तो प्रोग्राम आपका कहां से बनना स्टार्ट करेगा, प्रोग्राम आपका टूल यहां से मूव करता हुआ इधर जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब हम जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे उल्टा करके। अगर ये स्टार्ट पॉइंट ना हो करके ये वाला स्टार्ट पॉइंट होता है और ये वाला हो जाता है एंड पॉइंट, यानी कि अगर इधर लाना है रूल को, यहां से यहां लाना है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ये चीज समझनी है और कैसे होगी। आई की डेफिनेशन क्या है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस और एक्स की दिशा में, एक्स की दिशा क्या है, एक्स की दिशा ये है, ठीक है, तो ये जो है एक्स की दिशा है। लेकिन यहां पर सिंबल कौन सा यूज होगा, माइनस। क्यों? क्योंकि यहां से इधर चल रहे हैं और यहां पर एक्सेस हमको माननी है, ये जो पॉइंट है। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ चलेंगे तो माइनस कितना अंदर, 10, आई की वैल्यू 10 माइनस के, जे की वैल्यू यहां से स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है, जे, जे की वैल्यू जीरो। क्लियर हो गया? तो आई की वैल्यू जे की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है और ये चीज मैंने आपको बताई है, इससे इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप कोई भी प्रोग्राम बना लेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका यूज कैसे करना है वो आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा आई जे के से हम जो है आर्क रेडियस को हम कैसे बनाएंगे और जिसको जो है सर्कुलर इंटरपोलेशन यानी G02 और G03 के साथ यूज करके जो है हम आपको बना के दिखाएंगे। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करूंगा जिसका थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है यानी एक्सिस का जो मूवमेंट है आई जे के का जो साइन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बना के बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। अब मैं जो है आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं कि किस तरह से ये काम करेगा, ठीक। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक स्क्वायर वर्क पीस है, उसके ऊपर जो है हमको ये सर्कुलर इंटरपोलेशन करते हुए
ये जो है इंग्रेविंग करनी है, ठीक है। और ये इंग्रेविंग करने के लिए जो है हमको जो ये रेडियस रहेगी, ये जो देख सकते हैं आर जो है यहां पर 30 mm की है, ठीक है। मतलब 30 mm का जो है ये सर्कल है, उसके अलावा ये जो रेडियस है ये 15 mm की है, यहां पर जो ये 15 mm की है, ठीक है। तो इस तरह से हमको जो है दो, एक सर्कल के अंदर जो है दो छोटे छोटे आर्क बनाने हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम जो है इसको आर की वैल्यू के साथ में जो है नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और दोबारा से इसी पॉइंट पर आ रहे हैं, ठीक है, रोटेट होके, तो आपको जो है कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग पॉइंट के ही देने पड़ेंगे, और जब आप स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे तो एंगल में प्रॉब्लम होती है जहां पर आर वैल्यू जो है लगाई जाती है, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेट और यहीं पे घूम के यहां आ जाएगा, तो स्टार्ट पॉइंट भी सेम हो गया और एंड पॉइंट भी सेम हो गया, तो आर में जो है ये चीज नहीं हो पाती है। इसलिए हम जो है आई जे के ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं इनका यूज करते हैं। जब हम इनका यूज करते हैं तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए जो है हम आई जे के का यूज करते हैं, और इसमें जो इंग्रेविंग होती है वो काफी बेटर होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट रखना बहुत आसान हो जाता है अगर हमको एक्सेस का पता सही तरीके से है तो, ठीक है। तो देख लीजिए, ये हमारा जो है ऑरिजिन पॉइंट है, यानी हमारा जो है रेफरेंस पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में, इस पॉइंट को जो है ऑफसेट पॉइंट लिया है, और यहां से अब सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमको, टूल को, जैसे ये टूल है, इस टूल को जो है इस पॉइंट पर लाना है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हम बड़े सर्कल को जो है बनाएंगे, इंग्रेविंग करेंगे, यहां तक बनाएंगे तो, ठीक है, तो टूल का मूवमेंट क्या होगा, टूल का मूवमेंट होगा यहां से, टूल मूव करेगा और ये धीरे धीरे जो है इस तरह से, ये टूल जो है इस तरह से बनाएगा। फिर उसके बाद टूल जो सेकंड सर्कल है, ये वाला आर्क जो है हाफ आर्क, इसको बनाएगा यहां तक, फिर उसके बाद फिर यहां से करेगा इंग्रेविंग और ये जाएगा इसे, तो इस टाइप से जो है ये प्रोफाइल बनाएगा इसकी। अब आपको ये चीज समझ में आ गई, इसमें जो है 0.5 mm की जो है डेप्थ हमको देनी है, 0.5 mm जो है इसमें दबा के चलेगा टूल जो है, इतना मटेरियल जो है इसमें कट करेगा और ये रोटेट करता हुआ निकालेगा। उसके बाद फिर ये यहां से टूल यहां से निकालेगा और ये इस टाइप से जाएगा, ठीक है। तो 0.5 mm जो है मटेरियल इसमें से रिमूव होगा। अब समझना होगा प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो पहले तो मैं इसकी थ्योरी थोड़ी सी समझा देता हूं कि आई और जे इसकी वैल्यू जो है क्या क्या होगी वो निकालना आपको आना चाहिए पहले, ठीक है। अब देखो इसमें तीन आर्क बन रही हैं, एक आर्क, दो आर्क और तीसरी आर्क, ठीक है। तो हम जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है यहां पर लिख देते हैं, ये तीनों आर्क के कोऑर्डिनेट आप निकालना समझ लीजिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट पॉइंट है, मतलब यहां पर टूल हमारा पहले आ जाएगा। अब स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, एंड पॉइंट भी यही हो गया, मतलब स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, एंड पॉइंट भी ये हो गया, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आई की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क, स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब देखो एक्स क्या है, एक्स एक्सिस, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, तो यहां से चल रहा है इधर, सेंटर के बीच में डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, इस सेंटर से इधर जाएंगे पॉजिटिव, यानी कि आई की वैल्यू पॉजिटिव कितनी 30, आई 30, ये हो गया हमारा फर्स्ट सर्कल के लिए, ठीक है, सेकंड आर्क के लिए, थर्ड आर्क के लिए। जे की वैल्यू स्टार्ट पॉइंट देखो क्या, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में डिस्टेंस देखिए, वाई एक्सिस में क्या है, इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं, तो जे की वैल्यू जे 0, ठीक है। दूसरा सेकेंड आर्क, इस आर्क से इस आर्क के बीच में देखो, अब इसके केस में क्या हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंट तो ये हो गया, एंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब देखो
स्टार्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, कितनी डिस्टेंस 15 mm, तो आई 15 पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इस पॉइंट से इधर तक रहा है, ठीक है, इसलिए। अब देखो यहां थोड़ा सा जे की वैल्यू सेम 0, थर्ड में देखिए यहां से इस पॉइंट से किधर चलना है, इधर चलना है, तो यहां पर देखो डायरेक्शन चेंज हो गई। अब देखो इधर चलना है या इधर चलना है, इसके लिए हमको इंटरपोलेशन लगाना होता है। अब देखिए क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो यहां पर 0.2 लगेगा इसके केस में, 0.2 इसके केस में, 0.2 नीचे वाले के केस में, 0.3, समझे नहीं समझे? देखो ये जो है उल्टी तरफ से चलना है, देखो ये क्लॉकवाइज चलना है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। स्टार्ट पॉइंट, अब देखो इसके केस में क्या है, स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क, स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, कितनी है 15 mm, तो आई 15। अब बोलो नेगेटिव क्यों नहीं किया आपने, नेगेटिव इसलिए नहीं किया क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चलेगा ना, आई 15 जे 0। लेकिन अगर हमको मूवमेंट कराना होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क, हमेशा देखो इस डायरेक्शन चल रहा है, तो आई की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि टूल हमारा यहां से मूव करता हुआ यहां आता, लेकिन यहां से मूव करता हुआ इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, तो यहां पर हमको आई की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, तो ये हमारे आई के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम, अब समझते हैं प्रोग्राम, ठीक है, इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं सिमेंस में भी और फानुक में भी, ठीक है, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, आप बस इसको प्रोग्राम को समझने की कोशिश करिए, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए था, मतलब इस प्रोग्राम में ये तो जो है फॉर्मेलिटीज है, ये आपको सबको पता है कि ये चीजें हमको रखनी होती है, ठीक है, ये पैरामीटर्स है। अब हमको देखना है कोऑर्डिनेट, G00, X0, Y0, Z5, मतलब जेड जो है 5 mm जो है वर्कपीस से ऊपर रहेगा टूल, और ये टूल मूव करता हुआ कहां पे आएगा, वर्कपीस के X0, Y0 पर, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वर्कपीस में वो वाला, ठीक है। उसके बाद X15, Y45 देख लेते हैं वर्कपीस में कहां पर है ये टूल, यहां पर देख लीजिए X15, X में इतना ट्रेवल, Y45, तो ये जो स्टार्ट पॉइंट जो है वर्कपीस का, ये हमारा जो है इसका ये पॉइंट कहलाएगा जो मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ, ठीक है, ये वाला X, तो यहां पर वो पहुंच जाएगा टूल, ठीक है। उसके बाद देखिए M07 से कूलेंट ऑन कर दिया, G01 यानी लीनियर इंटरपोलेशन लगाया, लीनियर इंटरपोलेशन इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो टूल है वो वर्कपीस की जो सरफेस है इसमें कितना एमएम जाएगा, 0.5 mm, माइनस में दिया जेड, जेड की वैल्यू माइनस, मतलब जो है अंदर जो है ड्रिल करेगा, ठीक है। उसके बाद फीड दे दिया 30 का, ठीक है। उसके बाद G02 अब लगाया हमने सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब वर्कपीस पे ऐसे जाएगा, ठीक है, कहां पे जाएगा, X15, Y45, ये वही पॉइंट है जो हमको एंड पॉइंट देना है, आप हमेशा याद रखिए, यहां कंफ्यूज मत हो जाना, ये हमेशा जो दिया जाता है, देखो हम किसी भी पोजीशन पर खड़े हुए हैं, ठीक है, अब हमको डेस्टिनेशन बतानी है, तो यहां पर देखो हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, इसके कोऑर्डिनेट है X15, Y45, और हमको यहीं पर आना है, ठीक है, घूम के आना है, तो इसके लिए हमको सर्कुलर इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा और आई जे की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे वो डेस्टिनेशन के करके दे रहे हैं हम, ठीक है, ना कि हम अपनी इनिशियल पोजीशन की देंगे, हमेशा जो है जहां पर हमको जाना है उसके कोऑर्डिनेट हमको यहां पर बताने पड़ेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहां पर देखो ये डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट है और आई 30 मैंने बताया था आपको
कि जो पूरे सर्कल का जो रेडियस है वो जो है I30 हमने निकाली थी वो वैल्यू J0, इस तरह से हमने ये प्रोग्राम में रख दी। जो दूसरा जो है ये G02, ये जो है सेकेंड आर्क बनाई थी छोटी वाली, ठीक है, इसके अंदर जो है एक ऐसी आर्क बनाई थी उसका और ये ऐसी, ठीक है। तो पहली जो आर्क है उसके लिए G02 लगाया, X45 इसका सेंटर पे जो कोऑर्डिनेट है यहां पर दिखा देता हूं आपको, ये देखिए यहां पर जो x की वैल्यू है यहां पे 45, देखो 15 15 15, मतलब x में जो है 15 डिस्टेंस है, y में जो है ये भी 15 डिस्टेंस है, 15 15 15, यानी कि ये 45 है, 45 इधर और 45 इधर, इस सेंटर पे जो है 45 है। तो इस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट बताने हैं, जब भी हमको यहां से यहां जाना है तो यहां के कोऑर्डिनेट नहीं लिखने हैं, यहां के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। तो वो जो कोऑर्डिनेट मैंने वहां पे लिखा है बताए हुए हैं, वो जो कोऑर्डिनेट है वो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए G02 X45 Y45, ये जो है फाइनल डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट है। उसके बाद I की वैल्यू I15 J0, ये पहले आर्क की वैल्यू हो गई यहां पे, ठीक है। उसके बाद G03, क्योंकि अब हमको उल्टी तरफ से जो है कुंड को घुमाना है, इसलिए जो है हम G03 लगा रहे हैं, ठीक, इधर से घुमाना है X75 और Y45। देखो X की डिस्टेंस यहां की लेंगे तो ये जो है डिस्टेंस जो है 75 है, पर पीस में आप देखेंगे तो ये 75 है और Y जो है 45, क्योंकि ये जो है यहां से 45 ऊपर है, ठीक है। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन क्या है जहां तक हमको ये आर्क ले जानी है इस पॉइंट के, I15 J0। ये देखिए इसकी जो वैल्यू है, बस ये आपको समझना है, बाकी चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो आर्क है आपकी बन जाएगी ऐसे। उसके बाद G00 Z5 M09, मतलब पुल एंड ऑफ कर दिया, जेड में अपना टूल को वापस ले लिया, इस तरह से जो है ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बाकी और चीजें जो नॉर्मल है, इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, तो आप जो है प्रोग्राम आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका प्रोग्राम में आपको जो है अपने कम्युनिटी टैब पर शेयर भी कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम हमने कैसा बनाया था, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि आपके आई और जे के कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाए। अगर आपने ये समझ लिया तो आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम पे कभी मत जाइए, आप प्रोग्राम बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपने प्रोग्राम बनाने का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ऐसे आपको हजारों प्रॉब्लम्स आएंगी, कई सारे प्रोग्राम्स आएंगे, तो वहां पर आपको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो चीज आप समझिए कि प्रोग्राम में आई और जे और के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस को समझिए, प्रोग्राम तो आप हजारों बना पाएंगे, बस कॉन्सेप्ट को समझना सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम आपकी लाइफ में हजारों प्रोग्राम आएंगे और उनको समझना जरूरी होगा, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो उस पर लाइक करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।